Assalamualaikum, welcome to a new video. Hope you guys great. मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं जियो बर्ड्स। आज मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी में और मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों को आज शाहपुर कांजरा मंडी का विज़िट कराया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि रेट्स क्या क्या चल रहे हैं बकरों के, बच्छों के और उसके अलावा दुम्बों के, ऊँटों के। तो चलिए आप लोगों को विज़िट करवाते हैं मंडी और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या रेट्स आ रहे हैं। काफ़ी मंडी अप हुई हुई है लेकिन हम रेट्स वगैरह पता करते हैं। सेल हो गया सर 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए का सेल हो गया। जी जनाब। इसका वज़न क्या होगा? इसका वज़न है 12 कुमान। अच्छा चाचा, इसके अलावा आपके पास वाइट जो बच्चा खड़ा हुआ है उसका क्या वज़न है? उनका भी वज़न है 8 मान। और वो कितने का आपने, वो भी सेल हो गया? वो भी दोनों सेल हो गए ने। उसकी क्या प्राइस है? 7 लाख दे। दोनों 7-7 लाख के होंगे? जोड़ा होया 3.5 का है तो 3.5 का वो पीछे खिलौता है। अच्छा अच्छा, जोड़ी होगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा चाचा, इसके अलावा भी आपके पास गाय बच्चे वगैरह हैं? छोटे नहीं होने मेरे को, बड़े बच्चे सेल होगा ने। चलिए उनकी तरफ चलते हैं फिर। हाँ छोटे बच्चे। अच्छा तो चाचा जी, ये वाला जो बच्चा खड़ा है इसकी क्या प्राइस है? इन्हें यही मांग रहे हैं 1.45। और ये मुँह से क्या? दोंदा। ज़्यादा नहीं है प्राइस? नहीं, ये सरकार मंगाएंगे तो फिर ही कोई अपनी खरीद, 1.15 दी अपनी खरीद, फिर ही कोई 5-4 हज़ार रुपया बनाना। ठीक ठीक। और उसके अलावा ये जो सामने खड़ा हुआ है इसकी क्या प्राइस है? इनका 1.70 मांगने पे हैं। 70 मांगते पे? और मतलब कमी पेशी आप कर देंगे? हाँ कमी पेशी इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई जान, ये जो सामने वेड़ा खड़ा है इसका रेट क्या है? ये 3.5 लाख रुपये है। और कितने दांत मुंह से क्या? दो दांत। और फाइनल प्राइस है ये फाइनल प्राइस। और उसके अलावा आपके पास बच्चे किस किस रेंज में आपके पास मौजूद हैं इस टाइम? हमारे पास ये तीनों एक रेंज में है। थी, थी। वो जो है वो 260 में है, ये जो है 280 में। ठीक है। अच्छा भाई जान, अगर हमारे व्यूवर ने आपके पास आना हो तो उनको कोई कमी पेशी हो जाएगी? ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर जो हमसे हो सका तावन ज़रूर करेंगे। अच्छा कितना मतलब क्या फ़ाइनल आप कितना कहते हैं इनका? फ़ाइनल जो भी अलग अलग सेम रेट नहीं है, अलग अलग रेट है इनके, जो जानवर लेंगे उसमें इंशाल्लाह डिस्काउंट करेंगे जितना हो सके। अच्छा आप बताएं कि आपने ये वाला जानवर फाइनल कितने का देना है? ये फाइनल 3 लाख रुपये में हो जाएगा। फाइनल। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मंडी में जहाँ पर काफ़ी इतने बड़े बड़े जानवर खड़े हुए हैं उसमें यहाँ पर ये वाला जानवर भी खड़ा हुआ है, तो इनके मालिक से पूछते हैं कि ये इसका क्या रेट मांग रहे हैं। और अब इनके मालिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, आप इसका कितना रेट मांग रहे हैं? 95 जी। और मुँह से क्या है ये? दोंदा है। और आप मतलब कि अब इसमें कमी पेशी कोई नहीं है? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा ये नस्ल कौन सी है? तन्नी की। तन्नी, ठीक हो गया। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई कह रहे थे कि मेरा भी इंटरव्यू लें तो मैंने सोचा कि चलें इनकी भी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अच्छा आप भी यहाँ पर बच्चे वगैरह बेचने आए हैं? कहाँ पे आपके बच्चे? ये बच्चा है? और क्या कितना पैसे मांग रहे हैं आप इसके? कितने का चल रहा है ये उनसे पूछ रहे हैं कितने का है? तो आप पूछें कितने का है? आप बताएं कितने का होना चाहिए? 50 हज़ार का होना चाहिए। चाचा जी तो 95 हज़ार मंगने ने उनकी करिए। अच्छा है। यार भाई जान, इसका कितना मांग रहे हो? अच्छा तो इसका 4.5 लाख रुपया ये लोग मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, इसकी क्या प्राइस है? 4.5 लाख भी रहे। और कितने मुंह से कितने दांत हैं? 4। चौगा हो गया जी। और फाइनल आप इसकी क्या है? फाइनल कितने में देंगे? 4.5 दे। नहीं वो तो आपने प्राइस बताई है, फाइनल कितने का होगा? फाइनल 4.10 का दे दे। चलें ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अदराज साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भजन कितने के क्या प्राइस है इसकी? इसके 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मुंह से क्या? दो दांत। हाँ जी। और इसका वज़न कितना होगा? 8 मान। 8 मान वज़न होगा। फाइनल ही है? फाइनल है। पर बोटी दसी हड्डियों तक ज़्यादा होगा। अच्छा, माशाल्लाह आपका जानवर प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक पाए। कितना मांग रहे हैं ये बच्चे का? 380। ज़्यादा नहीं है भाजी? ज़्यादा नहीं, पिछों ही बड़ी महंगाई है। कितनों पिछों? जितों ला के आए हैं। कितने तक का फाइनल दोगे? फाइनल हम 320 तक।
और मुँह से क्या? मुँह से दोंदा। तो इकट्ठे ही 380 कर दिया 320 से, ये क्या चक्कर है? ओ पाजी ए वेखो ना हुण असी लियांदा 3 दा पिछो ते असी भी रोजी नाल वेचना। पक्की बात है 3 का लेके आयो? हाँ जी 5 ना। यार वैसे जितना रेट हो गया मंडी में मुझे नहीं लगता कि जानवर आसानी से मिलेगा किसी को। अब 5 ना आर किसी ने आपदी समझ ना मुल लोना जी किसी की समझ चोना तो उन्हें ला जाना जिन्हू पता हो जानवर उन्हें ला जाना। ऐ हुण तेरे को जानवर सामभिया नहीं जा रहा तू उनका रेट मंगने है? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का पाका करम है। अच्छा कितना मांग रहे हैं इस बारे में? उसका 12 लाख रुपया मांग रहे हैं। 12 लाख रुपया ज्यादा नहीं है? नहीं देखे ना, नस्ल भी चेक करें जरा। नहीं माशाल्लाह खूबसूरती तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये नस्ल पूरी मंडी में देख लें, इधर कोई भी इससे ऐसा नहीं है। चलें जी, इनका चैलेंज है कि पूरी मंडी में इस तरह का जानवर नहीं है। अच्छा इसकी नस्ल, ये नस्ल कौन सी है? ये ब्राह्मण है। अच्छा ये ब्राह्मण नस्ल है। और आप अबलग? आपका फाइनल कहाँ तक है? क्या फाइनल कहाँ तक? 10 लाख रुपये का। 10 लाख का दे देंगे। और ये मुँह से क्या है? चौगा। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका जानवर इस कीमत में बिकवा दे। मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है सर आपका? अल्लाह का बड़ा करम, तुझे सुनाओ। अल्लाह का पाक करम है। सर क्या मांग रहे हैं बच्चे का? 6.5 लाख रुपया। और ये मुँह से क्या? चौका है। चौका है जी। और अच्छा मुझे आप व्यापारी वैसे लग नहीं रहे हैं। तो आज दिनों क्या है, मेरी वीडियो ने बना कपड़े गंदे पाए हुए हैं। चलें, अच्छा इसका ये जो नस्ल है ये कौन सी नस्ल है? साहिवाल है। और ये इसका वज़न क्या होगा? वज़न इसका कम से कम 12 मन है। अच्छा माशाल्लाह 12 मन है। शर्तिया नज़र नहीं आ रहा आपको? देख, नहीं मुझे इस तरह नहीं पता चलता, आप प्रोफेशनल हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं मुझे भी आप जितना ही पता है जितना आपको पता है। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। भजन ये जो कजला मेरे सामने बैठा हुआ, ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस जो है जी 80,000 रुपया। और मुँह से क्या? मुँह से अभी धोंदा होने वाला है। अभी होने वाला है मतलब कि समझ लें एक दांत तोड़ लिया ना इसने, मैं कुर्बानी तक हो जाएगा? हाँ जी कुर्बानी तक हो जाएगा, दांत दिखा सकते हैं आप। अच्छा वो जो दूसरा वाला है कजला, उसकी क्या प्राइस है? किस दूसरे वाले की? वो जो सामने खड़ा, वो सामने खड़ा उसका 1,20,000 है। और वो धोंदा है? पक्का खीरा है वो। पक्का खीरा है मतलब? पक्का खीरा मकसद 1 महीने बाद होगा धोंदा। ईद तक मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल। तो वो मतलब 6 महीने का भी जायज़ होता भाई। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आप ये वाले क्या, हमें ज़रा दांत दिखा देंगे? दिखाओ ये दांत, दांत दिखाओ जी, देख रहे हैं एक तोड़ दिया तो। जी जी, एक तो इसका मतलब है कि ये 20-22 दिन तक, ये 15 दिन में फुल धोंदा हो जाएगा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया ताबेदार सर। अच्छा ये वाले छतरे का ये लोग मांग रहे हैं 50,000 रुपया। ये जो सामने है इसका मांग रहे हैं 55, और उसके अलावा यहाँ पर खड़े हुए हैं ये इसी रेंज में 40-45-50 तक की रेंज में है, और कमी पेशी वगैरह हो जाएगी। और ये एक सामने बड़े खूबसूरत टैडा खड़ा हुआ है, इसका शौक हमने भी किया था किसी टाइम में, और इसका 25,000 रुपया मांग रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारे जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, ये काफ़ी सारे बकरे खड़े हैं, आप इनमें एक एक तो चुन नहीं सकते, लेकिन इनमें क्या प्राइस दे रहे हैं? प्राइस इनकी मुख्तलिफ है कि जो बड़े हैं उनकी रेंज भी उतनी ज़्यादा कीमत वाली है, जो छोटे हैं उनकी रेंज भी छोटी कीमत वाली है। जैसे ये बड़ा बकरा है इसका हम कीमत इसकी तकरीबन 38,000 मांगते हैं, लेकिन इनमें जो रियायत हो सकती है तकरीबन 1,000-1,500 तक। ठीक ठीक। और इससे बड़े भी बकरे आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास इससे बड़े नहीं है, और इससे कुछ छोटे हैं। इससे छोटों में क्या प्राइस साइज़ के हैं? उनकी क्या प्राइस है? उनकी भी मुख्तलिफ प्राइस है, जैसे आपको मैंने बताया कि छोटे से छोटा जो हमारे पास बकरा है वो उसकी कीमत तकरीबन 18,500 तक है, आखिरी रेंज है छोटी। ठीक ठीक। और ये सारी धोंदे हैं कि खीरे वगैरह भी हैं इनमें? जी ये सब धोंदे हैं। धोंदे? हाँ जी। और आपके ख्याल से ये जो हमारे सामने बकरा है इसका वज़न क्या होगा, या गोश्त इसमें कितना होगा?
ज़िंदा है, इसका वज़न ज़िंदा का तकरीबन कोई है 38-39 किलो, लेकिन इसका गोश्त जो है तकरीबन कोई 25-26 किलो हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप यहाँ पर ख़रीदने आए हैं या आपका मतलब कि अपना ही है बकरी? नहीं नहीं, मैं ख़रीदने आया हूँ, कस्टमर हूँ। तो सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ मंडी का रेट इस टाइम किस तरह का चल रहा है, ज़्यादा है या कम है या ठीक है? अभी तो लग रहा है कि मुनासिब ही है। ठीक ठीक, लेकिन लग रहा है कि तेज़ी हो जाएगी। ठीक, और आप क्या समझते हैं ये जो हमारे सामने बकरा है इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए? ये तो तकरीबन 60-65-70 के करीब है। तो मतलब आप 60-65-70 का ले लेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह, हमने खरीदे हैं यहाँ से जो 2-3 बकरे ना। चलें ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, शुक्रिया। तो इस बकरे का ये 40,000 रुपये मांग रहे हैं, और इस बकरे का मेरे ख्याल से ये मुनासिब रेट है 40 तक। लेकिन इन्होंने पेट जो है फुलाए हुए हैं, पानी वगैरह पिला कर इन जानवरों पर ये जुल्म कर रहे हैं। तो चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे जो भी इसको ले, और अल्लाह ताला कुर्बानियाँ कबूल करे लोगों की। चलें, इसका ये 65,000 रुपये मांग रहे हैं इस बकरे का। मंडी काफ़ी हाई हुई हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी हम एक कस्टमर से मिले थे और उन्होंने कहा कि नहीं यार मंडी ठीक है, और मुझे लगता है कि आगे आगे मंडी के में जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी रेट्स हैं कि मुश्किल है एक आम बंदे का परचेज़ करना। पर खैर अल्लाह ताला नसीब करें जिनको जो भी लें इनको। माशाल्लाह यहाँ पर चक्की तंबे भी मौजूद हैं, और इनकी प्राइस जो है वो उन्होंने कहा है कि ये 1,00,000 के दोनों बेच दिए हैं, और ठीक है यार इनके जितना इनका मतलब के जितने तक ये होने चाहिए थे उतने तक के निकल गए, ठीक प्राइस में इनके बिक गए हैं।